हमें पढ़ना है धातुएं हैं जो पृथ्वी की भूपट्टी में पाई जाती हैं, जो कि ठंडा जो रखती ना, ठीक है, एक एक जो कहा जाए बहुत अंदर की सतह ना होकर के थोड़ा बीच वाली जो सतह रहती है, ऊपर तो मिट्टी उठती रहती है, उसके बाद जो परत रहती है वो भूपट्टी कहलाती है। तो उसमें जो है बहुत सारी धातुएं जो है वो पाई जाती हैं उसी में, तो उनका किस तरीके से निष्कर्षण किया जाता है उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखो कुछ धातुएं जो होती हैं वो भूपट्टि में जो है स्वतंत्र की अवस्था में पाई जाती है, कुछ यौगिकों के रूप में मिलती हैं, और जो सक्रियता श्रेणी है आपकी उसमें नीचे जो आ रही हैं धातुएं सबसे कम अर्धो। अब यहाँ पर देखो आपको पता है कि नीचे वाली धातुएं क्या होती हैं, धीरे धीरे करके कम अभिक्रियाशील हो जाती है, जो सबसे कम अभिक्रियाशील होती हैं वो स्वतंत्र की अवस्था में पाई जाती हैं, मतलब कम अभिक्रियाशील है, क्रियाशीलता उसमें नहीं है तो यौगिक नहीं बनाएंगी, तो वो क्या होंगे स्वतंत्र अवस्था में पाई जाएंगी, जैसे कि सोना हो गया आपका, चांदी, प्लैटिनम, कॉपर, ये सभी क्या है स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। बहुत है तो हमारी उम्मीद की आएंगे। यहाँ पर जो आपका सोना, चांदी, प्लैटिनम, कॉपर वगैरह है वो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाएगा, लेकिन सोना और चांदी तो ठीक है, मगर कॉपर और सिल्वर क्या होता है जनरली ये अपने सल्फाइड या ऑक्साइड के एसिड के रूप में जो है वो संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। जो सक्रियता श्रेणी आपने देखी है सबसे ऊपर की धातुएं जैसे कि जो आपकी बनी हुई है इतनी वो ये ज़्यादा मात्रा में क्रियाशील होती हैं, अभिक्रियाशील होती हैं, तो ये स्वतंत्र अवस्था में कभी भी नहीं पाई जाएंगी, जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम ना, तो ये जो है स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाएंगी। और इनकी इसके बाद जो आप ये क्रिया अभिक्रियाशीलता बीच वाली देखते हैं, इनकी अभिक्रियाशीलता क्या होती है थोड़ा सा कम होती है, सॉरी वो सबसे कम होती है इसमें, मतलब थोड़ा कम का मतलब वो मध्यम होती है उनकी अभिक्रियाशीलता। और ये जो है ये भी जो बीच वाले हैं जो मध्यम अभिक्रियाशील है वो मुख्यतः ऑक्साइड, सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में पाए जाते हैं, और कई जो धातुएं हैं उसके अयस्क होते हैं वो ऑक्साइड होते हैं। ऑक्सीजन की अभिक्रियाशीलता एवं पृथ्वी पर इसकी प्रचुर मात्रा में होने के कारण ही ज़्यादातर ये क्या करते हैं ऑक्सीजन जो होती है उस धातु से जा करके अभिक्रिया कर लेती है और वो उसका ऑक्साइड बना लेती है, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम बात करें कि जो ये अभिक्रियाशीलता के आधार पर जो धातुएं हैं इनको हम तीन भागों में बांट सकते हैं, निम्न अभिक्रियाशील धातुएं, मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं, और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा उच्च अभिक्रियाशील धातुएं। प्रत्येक वर्ग में आने वाली धातुओं को प्राप्त करने के लिए अलग अलग जो है हम तरीके से उसको जो है प्राप्त करते हैं, उसका निष्कर्षण करते हैं या उसको शुद्ध किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर आप एक चार्ट देख रहे होंगे, इसमें ये चार्ट देखिए कोई भी जो हमने लिया है वो उसका अयस्क हुआ है, उसको खोलते हैं, उसका सारण करते हैं। अब इसमें से धातुएं भी अलग अलग तरीके की हैं, जो उच्च अभिक्रियाशील धातुएं हैं उनको गलित धातु का विद्युत अपघटन करके शुद्ध धातु के रूप में प्राप्त किया जाता है, जो मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं हैं उसमें भी दो तरीके से हो सकते हैं, या तो सल्फाइड के रूप में पाई जाएंगी या तो कार्बोनेट के रूप में पाई जाएंगी। अब अगर कार्बोनेट के रूप में पाई जा रही तो उसको निस्तापन किया जाता है, और फिर उसके बाद धातु जब निस्तापन करते हैं तो धातु का ऑक्साइड बन जाता है और धातुओं में अपचयन हो जाता है, धातु का जो है उस शोधन के बारे में हम कर लेते हैं। अगर सल्फाइड के रूप में वो धातु पाई जा रही है तो उसको भर्जन की प्रक्रिया के द्वारा जो है किया जाता है, और भर्जन जब उसका करते हैं तो वो धातु के ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, और ऑक्साइड है अगर उसका अपचयन कर देंगे तो धातु जो है हमारी प्राप्त हो जाएगी। तीसरी जो है तीसरा पॉइंट है आपका निम्न अभिक्रियाशील धातुएं, जो कम अभिक्रियाशील धातुएं हैं, निम्न अभिक्रियाशील धातुएं हैं तो वो सल्फाइड अगर के रूप में पाई जा रही है, अगर सल्फाइड पाई जा रही है तो भर्जन होगा उसका, धातु प्राप्त होगी और उसका जो है परिष्करण कर दिया जाएगा। तो ये अलग अलग तरीके से जो अयस्क है ठीक है उसका जो है वो निष्कर्षण किया जाता है। पृथ्वी से जो खनिज अयस्क में मिट्टी, रेत, कई अशुद्धियां जो होती हैं उनको क्या कहा जाता है, जो उन्हें गैन कहा जाता है, ठीक है। धातुओं को निष्कर्षण से पहले अयस्क जो है हमारा प्राप्त हुआ है उसे अशुद्धियों को जो है हटाते हैं सबसे पहले, और अयस्कों से गैन को हटाने के लिए कुछ प्रक्रियाओं का प्रयोग करते हैं, जो कि उस अयस्क और जो गैन जो है उसके रासायनिक गुणों पर आधारित होती है वो प्रक्रिया, ठीक है। यहाँ पर तीन भाग हमने बांटे थे, सक्रियता श्रेणी में नीचे की तरफ आने वाली धातु, बीच में आने वाली धातु और ऊपर की तरफ आने वाली धातु। तो जो नीचे की तरफ आने वाली धातुएं होती है वो काफ़ी अनभिक्रियाशील होती है, क्योंकि नीचे जो आ रही है इनके बहुत कम अभिक्रियाशील हैं, ठीक। तो अभिक्रियाशील हैं यानी कि बहुत कम है, यानी कि वो क्या होंगी किसी से अभिक्रिया
क्रिया ही नहीं करेंगे तो ज्यादातर स्वतंत्र अवस्था में मिलेंगी। बहुत होगा सोन में क्या हो जाता है कि ऑक्साइड के रूप में वो आ जाएगी या सल्फर के रूप में जो है वो उससे जुड़ी रहेगी। तो जैसे अगर हम बात करें मरकरी की और जो है तो यहाँ पर ये जो है वो सिनाबार जिसको बोला जाता है मरकरी सल्फेट में तो यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ जो वायुमंडल में ऑक्सीजन है उसके साथ में क्रिया करेगा तो HGO बनेगा, तापमान में भी उसको ताप दिया जाएगा तो ऑक्सीजन उससे जुड़ जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस के रूप में जुड़ जाएगा। अब ये जो हमारा प्राप्त हुआ है HGO उसको जो है हम फिर से गर्म करेंगे, गर्म तो कर ही रहे हैं, एक बार गर्म किया तो ये ऑक्सीजन हवा में जो उपस्थित है उससे वो ऑक्साइड के रूप में कन्वर्ट हो गया मोनोऑक्साइड के रूप में। ठीक है, फिर यहाँ पर जब फिर उसको ताप दिया गया तो HG जो है मरकरी जो है अलग हो जाएगा। ठीक है, और अधिक करने पर मर्क्यूरिक जो मर्क्यूरिक ऑक्साइड है ठीक है वो उसमें अपचयित हो गया मरकरी के और मरकरी हमारे पास में अलग से प्राप्त हो गई। ठीक, अगर हम इसी तरीके से अगर बात करें कॉपर की तो कॉपर में भी यही होता है, कॉपर जो है Cu2S के रूप में पाया जा रहा है, अब ऑक्सीजन जो वायुमंडल में उपस्थित है उसके साथ अभिक्रिया कर लेगी और कॉपर ऑक्साइड जो है वो बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसको फिर कॉपर ऑक्साइड जो होता है वो जो हमारे पास उपलब्ध है कॉपर सल्फेट उसके उसके सल्फाइड एसिड के रूप में है तो यहाँ पर इसके साथ में फिर अभिक्रिया करेगा तो कॉपर अलग हो जाएगा और ये SO2 एसिड के रूप में है वो अलग हो जाएगा जिसको कि गर्म करने पर केवल ताप देने पर ही हमें इसका निष्कर्षण प्राप्त हो जाएगा। तो बीच में आती है धातु ये इनका किस तरीके से निष्कर्षण किया जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर इसके बाद का हम जो है वो बाद में पढ़ेंगे, यहाँ तक जो है आप लोग पढ़ लीजिएगा।